जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एनएसजी कमांडो फिजिकल एकेडमी में आप लोग की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और एसएससीजीडी 2024 में फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे का कमेंट और काफ़ी सारे का बंदे का डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितना तक जा सकता है, इतना फिजिकल का कट ऑफ हाई गया क्या, हम अभी तैयारी करें फिजिकल का नहीं करें, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों जो एसएसएफ का जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उसका कितना कट ऑफ गया है और कितना तक जा सकता है, जैसे एससी का गया है 138 और आपका एसटी का गया है 130, ओबीसी का गया है 144 और ईडब्ल्यूएस का गया है 143 और जनरल का गया है 146 और जो एक सर्विसमैन होते हैं उनका गया है 62। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसका 8 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकता है, ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है 10 से लेकर 12 नंबर, क्योंकि 160 में से काफ़ी सारे का बंदे का भी अभी नंबर है 157 158, तो 160 तक भी जा सकता है एसएसएफ में, क्योंकि एसएसएफ एक फोर्स है जो उसमें हाई कट ऑफ जाते हैं। अभी बात करते हैं मेन जो कैंडिडेट होते हैं, जो एसटी कैटेगरी है 148, एससी कैटेगरी 148, एसटी का हो गया 143, ओबीसी का हो गया 152, ईडब्ल्यूएस का 151 और जनरल का 153, एक सर्विस 94। तो जो एससी और एसटी है 157 से लेकर 158 तक जा सकता है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल इनका 160 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है उसमें काफ़ी सारे के बंदा नंबर है। तो अभी आपका डाउट क्लियर करा दूंगा कि आपका इतना फिजिकल स्टडी फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो गए या नहीं रहोगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। देखिए आपको मैं समझाने वाला हूँ कौन सी स्टेट का ज़्यादा जाता है। जैसे फिजिकल जो क्वालिफाई किया गया है 7.5 गुना, तो उसमें से जो फिजिकल पास कराया जाएगा 6 गुना, लगभग आपका 1.5 गुना आपको फेल कराया जाएगा, ठीक है। अभी बात मेडिकल जो है उसमें कितना है, 6 मेडिकल में कितना क्वालिफाई, मेडिकल के लिए कितना जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे 2.5 गुना, मतलब 2.5 गुना जाएंगे, लगभग आपका 3.5 गुना आपका फिजिकल में काटा जाएगा। उसके बाद लगभग आपको 50% बंदे छाड़ दिए जाएंगे, ठीक है। मेडिकल का काटअप कम भी जा सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी वो बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि 2021 में आप देखिएगा पहले मेडिकल का काटअप आने के बाद भी 40,000 बंदे का काटअप फिर वैकेंसी बढ़ा था। जो ज़्यादा काटअप जाने वाला है जिस इसमें 10 से लेकर 12 नंबर तक भी बढ़ सकता है, जैसे बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया, उसके बाद झारखंड जनरल एरिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसका फाइनल जो काटअप जाएगा 10 नंबर तक भी बढ़ सकता है। हाँ पोस्ट ऑफ वैकेंसी नहीं बढ़ा तो 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एसएससीजीडी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये नहीं है कि इसी बार आपका वैकेंसी दे दे, 2025 में भी वो वैकेंसी आने का संभावना है, लेकिन पूरा चांस है कि इसमें भी आने का संभावना है, क्योंकि जब वैकेंसी बढ़ता है तो एक मैसेज वायरल हो जाता है कि आपका जो फोर्सेस है कितना वैकेंसी खाली है, उसी हिसाब से वैकेंसी भी बढ़ता है। तो ये मत सोच के बैठिए कि मेरा इतना नंबर कम है, मैं फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनका 6+ अंक बढ़ सकता है मेडिकल में, लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसमें क्या है, 4 से लेकर 5 नंबर, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल एरिया का जनरल जो कास्ट है उनका 6 नंबर तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये मत बैठिए मेरा इतना नंबर कम है, मैं फिजिकल का तैयारी ना करूं। दोस्तों पोस्ट ऑफ वैकेंसी कभी भी बढ़ सकता है, तो आप इस बार भी ट्राई करिए और 2025 में जो वैकेंसी आएगा उसमें भी आप ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ जो आपको मैं समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। ये नहीं है कि 100% आपका चांस रहेगा इतना नंबर बढ़ सकते, इसमें भी कम हो सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।
सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।